छोटे 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 आगे से हटो। कम बैक हियर टू विद माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। ईद की नमाज के बाद सीन्स देखेंगे हमारे क्या रहते हैं। तो अभी बस चलते हैं। सीन ऐसे है कि हम अभी नीचे जा रहे हैं फॉर गोश उठाने, क्योंकि गार्ड की कॉल आई थी कि बकरे कट गए पूरी तरीके से, गोश फाइनल हो गए, गोश उठा के उठा लें। तो उठाते हैं गोश, उसके बाद हम सीधा जाते हैं नानी की तरफ, नानी से मिलते हैं और फिर देखते हैं सीन्स क्या रहते हैं। तो भाई सबसे पहले पता है क्या आता है? सबसे पहले आता है, मैं बताता हूँ आपको क्या आया है। सबसे पहले आती है रान और उसके साथ कलेजी, जो सबसे पहले बनती है। तो वो आपका भाई ले आया है, बाकी का सामान ये कार्ड में चुकाएगा। मैं नहीं ला रहा, तो बस ये रखते हैं और उसके बाद सीधा चलते नानी की तरफ, फिर मुलाकात करते हैं सबसे। छोटे 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 आगे से हटो। उन्होंने किराया लिया, हमने देख लिया। नानी के आ चुके हैं और ये बकरे आज नहीं कटेंगे, ये बकरे भी आज नहीं कटेंगे। ये बड़ा खूबसूरत बकरा,
साथ साथ नानू को देखो। नानू सेट हैं आप, खुश हैं? पानी वानी पिलाऊं? किसकी गाड़ी साजी? हाँ हमने ला ला था।
जैसे मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि यार मैं अपने नाना नानी को लेकर घूम रहा हूं ईद के पहले दिन, क्योंकि मेरे नाना के खानदान में एक इंतकाल हो गया है, तो अभी हम उधर दासियत के लिए आए। साथ ही साथ ये हमारे फहीम भाई हैं, मैं अब्बू को दिखाऊंगा ये वीडियो। फहीम भाई देखें क्या कर रहे हैं, ये मशहूर ज़माना है, हमारा पूरा मोहल्ला इनको जानता है। खुश हो रहे हैं फहीम भाई? फहीम भाई का रिश्ता रिश्ता आ जाएगा, बता रहे हो इस वीडियो में। सर अभी खाना वाना खाया, खाने के बाद स्ट्रिंग तो बनती थी, साथ साथ सिगरेट भी। और इसको देखो, इसको ना सिगरेट भी पीनी है, इसको स्ट्रिंग भी पीनी है, ये दोनों बच्चे हैं। ये तीसरे दिन की कुर्बानी है हमारी। ये लो स्ट्रिंग के साथ सिगरेट भी पियो, चल मारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अभी चल के थोड़ी देर लेटूंगा, आराम करूँगा, बहुत थक गया हूँ। यार सीन्स के जैसे हैं, आपका भाई आया है रोटी लेने, रोटी लेके बस घर जा रहे हैं उसके। बैक हेयर टू विद दिस व्लॉग, ये व्लॉग भी एंड होने जा रहा, बहुत थकन हो गए, गर्मी शदीद है। और यार ये बकरीद के बाद ना हमारे यहाँ समझ नहीं आता, ये लोग काटते तो हैं कुर्बानी का जानवर मगर सफाई नहीं करते हैं बिल्कुल, तो इतनी स्मेल है ना। बट मेरे एरिया में तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, मगर उस साइड पर तारीकोट की साइड पर बहुत बहुत मतलब तबाही हुई हुई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।